सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे। हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल विनीता मौर्य अपनी रसोई। आज मैं आपके साथ चावल के पापड़ की रेसिपी को शेयर करने वाली हूं। इन चावल के पापड़ को मैं एकदम अलग तरीके से और भी तीन अलग फ्लेवर में बनाकर आपको दिखाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं फटाफट चावल के पापड़ को बनाना। चावल का पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1/2 kg चावल ले रखा है। चावल को मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। चावल हमारा बहुत अच्छे से देखिए फूल गया है। अब हम इसको पीस लेंगे। चावल हमारा जितने अच्छे से फूला रहेगा उतना ही हमें इसको पीसने में आसानी होगी। इसका एक हमें महीन पेस्ट तैयार करना है चावल का पापड़ बनाने के लिए। चावल का पापड़ बनाने के लिए अगर आप नए चावल का यूज करेंगे तो हमारे पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास नया चावल नहीं है तो पुराने चावल का यूज कर सकते हैं। अब हम चावल को एक मिक्सी जार में डालकर इसको एकदम महीन पीस लेते हैं। हम ये मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम चावल को डाल देंगे। हम थोड़ा थोड़ा चावल पीसेंगे, एक साथ नहीं पीसेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये चावल था। चावल को भिगाने से पहले आप इसको 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लीजिएगा साफ पानी से, तभी आप चावल को भिगोइएगा। अब हम इसको पीस लेते हैं। चावल को देखिए मैंने मिक्सी में बहुत अच्छे से पीस लिया है। अब हम पापड़ बनाएंगे। पापड़ बनाने के लिए मैं 3 तरह के फ्लेवर दूंगी इस चावल के पापड़ में। हम ये 3 बाउल लेंगे और तीनों बाउल में हम ये जो हमने चावल का जो पेस्ट तैयार किया है निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे तीनों बाउल में। अब मैं तीनों बाउल्स में डालूंगी नमक। नमक मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। नमक की जो क्वांटिटी है आप अपने टेस्ट के अनुसार रखिएगा। वैसे पापड़ में नमक हल्का ही अच्छा लगता है। मैं चावल के पापड़ में सबसे पहले दूंगी मंगरेल का फ्लेवर, इसको कलौंजी भी बोलते हैं। हम हाथों में लेकर इस कलौंजी को इस तरह से क्रश कर लेंगे। अब इसको हम बाउल्स में डाल देंगे। दूसरा फ्लेवर मैं दूंगी जीरे का। जीरे को भी मैं हाथ में लेकर इस तरह से क्रश कर लूंगी और इसको भी मैं बाउल में डाल दूंगी। तीसरा फ्लेवर रहेगा अजवाइन का, इसको भी मैं हाथों पे रख के इस तरह से क्रश कर लूंगी। अब इसको भी मैं बाउल में ट्रांसफर कर दे रही हूँ। अब हम इन सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स चम्मच से। पहले हम कलौंजी वाले को करते हैं। इसी तरह से हम बाकी के भी जो बाउल्स में जीरा और अजवाइन है इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावल के पेस्ट में। मैंने तीनों बाउल में अच्छे से मिक्स कर लिया है अजवाइन, जीरा और ये मंगरेल को। अब हम पापड़ बनाना शुरू करेंगे। चावल का पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लोहे का ये स्टैंड ले रखा है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप परेशान मत होइए, आप इसकी जगह पर ये प्लास्टिक का ढक्कन भी यूज कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के डिब्बे घर में होते हैं, आप उसका ढक्कन लेकर उस पर भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये स्टैंड पर इस तरह से तेल को ग्रीस कर देंगे अच्छे से हाथों से। मैंने स्टैंड को तेल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये जो मैंने पेस्ट तैयार कर रखा है। सबसे पहले मैं मंगरेल फ्लेवर का बनाऊंगी पापड़। इस तरह से हम डालेंगे चम्मच से, इसपे मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। फिर इसको हम इस तरह से देखिए फैला देंगे चारों तरफ। मैंने देखिए ये स्टैंड पर मैंने मिक्सचर को अच्छे से फैला दिया है पेस्ट को। अब हम इसको डालेंगे रखेंगे पानी में। मैंने एक पतीले में पानी को पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। देखिए पानी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें इस स्टैंड को रख दूंगी। बहुत सावधानी से हमें करना है ये काम। इसमें एक ही स्टैंड आएगा। अब इसको हम ढक देंगे इस तरह से। इसको अभी
3 से 4 मिनट तक हम इसी में कुक होने देंगे भाप में। जब तक हमारा पापड़ रेडी होता है पककर, तब तक हम दूसरे वाले स्टैंड पर भी हम पेस्ट को फैला देते हैं। फिर से हम 4 मिनट के लिए इसको रखेंगे। पापड़ को हम स्टैंड से निकालकर अलग कर लेते हैं और इसको एक प्लास्टिक शीट पर मैं डालूंगी। आप चाहे तो कॉटन के कपड़े पर भी डाल सकते हैं। देखिए बहुत आसानी से पापड़ हमारा ये निकल जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पापड़ ये हमारा बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसको इस प्लास्टिक शीट पर डाल दे रही हूँ और इसी तरह से हम अपना बाकी का पापड़ भी बना लेंगे। मैं एक पापड़ आपको इस प्लास्टिक के ढक्कन में भी बनाकर दिखाती हूँ। मैंने इसको तेल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये डाल दूंगी पेस्ट। इसको हम फैला देंगे। हम दूसरे वाले पापड़ को भी हटा लेते हैं पतीले में से। पहले पतीले को खोलेंगे और अलग कर लेते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें ये जो हमने ढक्कन में बनाया हुआ है प्लास्टिक के ढक्कन में, इसको हम डालेंगे। ढक्कन को मैंने भगोने में रख दिया है। अब इसको भी हम ढक देंगे और इसको 4 मिनट तक इसको भी हम कुक होने देंगे। ये पापड़ भी हमारा हो चुका है। अब इसको भी हम पतीले से अलग कर लेते हैं। इसको भी हम चाकू की सहायता से किनारों को अलग करते हुए हटा लेंगे। और ये देखिए ये पापड़ भी हमारा बनके तैयार हो गया है ना। देखिए आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, स्टैंड पर भी और प्लास्टिक के ढक्कन में भी। अब इसको मैं डाल देती हूँ प्लास्टिक शीट पर। अब इसी तरह से हम अपने बाकी के पापड़ भी बना लेंगे। गाइज ये देखिए सारे पापड़ मैंने बना लिए हैं और ये आखिरी पापड़ भी बन के तैयार हो चुका है। इसको भी मैं स्टैंड से अलग कर लेती हूँ और इसको मैंने रख दिया है अब सूखने के लिए। ये हमारे 1/2 kg चावल में इतने सारे पापड़ बन के तैयार हुए हैं। मैंने इसको तीनों फ्लेवर में बनाया है, अजवाइन, मंगरेर और जीरा। मैं इस चावल के पापड़ को पहले छाया में रख के सुखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसे पूरा एक दिन रखूंगी धूप में सूखने के लिए। धूप में रखने से हम इन्हें 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, तब ये खराब नहीं होंगे। तो हम इसे पहले छाया में सुखाते हैं, फिर इसे हम धूप में रखेंगे। गाइज ये देखिए हमारे चावल के पापड़ जो हैं बहुत अच्छे से सूख गए हैं। मैंने इनको धूप में अच्छे से सुखा लिया है। अब हम इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं, 1 साल तक हम इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। मैं आपको डीप फ्राई करके भी दिखाती हूँ इनको। चावल का पापड़ तलने के लिए तेल हमारा खूब अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी हमारा पापड़ अच्छे से तलेगा। अब हम पापड़ को तल लेते हैं। पापड़ को इस तरह से हम दबाते रहेंगे ताकि हमारा पापड़ खूब अच्छे से हो जाए। देखिए कितना बढ़िया पापड़ ये हो रहा है। अब इसको हम पलट देंगे दूसरी साइड से भी, ये अच्छे से हो जाए। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। अभी पापड़ हमारा हो चुका है। अब मैं इसको कढ़ाई से अलग कर लेती हूँ।
ये हमारे चावल के पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पापड़ बनके तैयार हुए हैं। इस होली में आप भी अपने घर में इस चावल के पापड़ को ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।